हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट अनारसे की रेसिपी बिना चावल को भिगोए बिना पीसे। इस अनारसे को हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले गैस को ऑन करके कढ़ाई पे हमने 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इस पानी में हमने ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी जब तक मेल्ट हो जाए तब तक ही पानी को पकाना है। यहाँ पे अपने चीनी अपनी टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी भी मेल्ट हो चुका है, बस इतना ही मीडियम फ्लेम पे पानी को पकाना है। अब हम इन पानी में थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल चावल का आटा है, बाजार में अवेलेबल मिल जाते हैं। आप चावल को बिना भिगोए बिना पीसे इस तरीके से बना सकते हैं। हमने जो आटा लिया था 1.5 कप, थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाला था मिक्स करते हुए। इसे पकाने में हमें लगा है 3 से 4 मिनट। इसे हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए 2 चम्मच भर के मेल्ट हुई घी ऐड कर देंगे ताकि डो थोड़ा सा शाइनी सा टेक्सचर हो और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। घी को एक बार अच्छी से इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, चावल का आटा हमने 1.5 कप लिया था, पानी भी 1.5 कप लिया था। कुल मिला के पानी और आटा को हमने बराबर मात्रा में लिया था। हमने डो से थोड़ी सी मात्रा में हाथों में लेके ये परफेक्ट हुआ या नहीं, और ये जो बॉल्स है इसमें काफी मात्रा में क्रैक आ रहा है। इसका मतलब ये है इसमें थोड़ी सी हमें बाइंडिंग मिलाना है, इसलिए हमने 2 चम्मच भर के आटा डो में मिला देंगे और इसमें हमने 3 चम्मच के करीब पानी मिलाया है। इसे मिलाने से डो में सॉफ्टनेस आएगा। फिर आप देखेंगे जो बॉल्स हमने बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा। इस तरह से आपको भी समझना होगा। डो हमारी रेडी है। अब हम इसमें से एक बॉल्स बना के आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है, इसका मतलब डो हमारी परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सफेद वाला जो तिल है उसको थोड़ी सी मात्रा में एक प्लेट में ले लेंगे और जो हमने बताशा के आकार बना के रखे थे उसका हमने इस तिल में थोड़ा सा कुट करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए कुट कर लेंगे ताकि तिल इसके ऊपर लक हो जाए। इस तरह से हमने सारे अनारसे को बना लेंगे। अनारसे को इतना शुद्ध माना जाता है कि प्रसाद में भी इसको चढ़ाया जाता है और एक घर के रखा हुआ सामान से ही आसानी से बन भी जाते हैं। हमने इस तरह से बॉल्स बना के थोड़ा सा लंबाई में शेप दे देंगे और अपने देख सकते हैं कुछ इस तरह से अनारसा बना के तैयार हुआ है। इसको भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो हमने लंबी शेप में भी 4-5 बना लेंगे और बताशे की आकार में भी 6-7 बनाए थे। इसको भी तिल में कट करके प्लेट में रखेंगे और 4-5 अनारसे को गोल शेप में भी बनाया है। टोटल मिला के हमने 3 टाइप्स का अनारसे बना के तैयार कर लिया है और अपने देख सकते हैं ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। देखने में जितना प्यारा है खाने में उसे कई गुना ज्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हमने फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाल दिया है, फ्लेम को मीडियम पे रखा है, तेल भी गर्म हो चुकी है। अब हम छोटी एक बॉल्स को तेल में डालकर चेक कर लेंगे। बॉल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम अनारसे को तेल में डाल सकते हैं। अब हम एक एक करके अनारसे को तेल में डालते रहेंगे। जितना एक बार में फ्राई हो सके उतना ही हम एक बार में डालेंगे। और ये जो तिल तेल के ऊपर तैरती हुई आपको दिख रहा है, हलवाई लोग जब अनारसे को फ्राई करते हैं उनको भी थोड़ा सा तिल अनारसे से छूट जाता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस इस तरीके से हमने सारे अनारसे को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इस तिल को छान कर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे अनारसे को फ्राई कर लेंगे। सारे अनारसे को हमने फ्राई कर लिया है। एक अनारसे को लेके हमने आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से कितना सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बना है। हमने क्रिस्पी आवाज नहीं सुना पाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर से बहुत ही ज्यादा आवाज रिकॉर्ड हुई है, इसलिए मेन आवाज को हमने म्यूट करके रखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार नया रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।